केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से पंजाब में बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर लगातार प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जा रहा है। श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा हलके के प्रचार के लिए रोपड़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अब की बार 400 पार का जो नारा है वो जनता का दिया हुआ है, वहीं बीजेपी इस बार 400 पार कर जाएगी। इस दौरान नेटवर्क 10 के संवाददाता ईशा ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। श्री आनंदपुर साहिब में है सर, यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि 42% हिंदू आबादी है, हिंदू कार्ड भी यहाँ पर खेला गया है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पहली बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है? मुझे लगता है कि ये हिंदू और सिख का विषय नहीं है। अब की बार जिस तरह से पूरे पंजाब में, पंजाब की आम आवाम और यहाँ तक कि पंजाब के किसान भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं, जिस तरह का विश्वास वो जता रहे हैं, जिस तरह से किसान जो है भरोसा दिला रहे हैं कि हम अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश को विकसित करने के, मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए, देश में जो गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को और आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ देश को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने की अपेक्षा के साथ में हम भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। जाति, धर्म, समाज, मजहब, उम्र, गाँव और शहर, इन सब की सीमाओं को तोड़ करके देश भर में लोग जिस तरह से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, पंजाब भी उससे अछूता नहीं है। सर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, आप किस तरीके से देखिए? इंडी गठबंधन या ये घमंडिया गठबंधन जो तमाम भ्रष्टाचारियों ने मिलकर के बनाया है, न नेता है, न नियत है और न नियति है। और ऐसे लोग जिन्होंने 55 साल तक देश पर लोगों को, देश को बांट करके, पहले देश को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए देश को भारत और पाकिस्तान में बांटा, 20 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, देश को अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा, देश को सवर्ण और दलित के नाम पर बांटा, देश को शहरी और ग्रामीण के नाम पर बांटा, देश को बोली और भाषा के आधार पर बांटा, देश को जो है मजहब संप्रदाय के नाम पर बांट करके केवल फूट डालो और राज करो। और अभी अभी आपने देखा होगा जिस तरह से मणिशंकर अय्यर जी का स्टेटमेंट आया, जिस तरह से सैम पित्रोदा साहब का स्टेटमेंट आया, अब वो रेसिस्ट आधार पर देश को बांटने की भी कल्पना करने लगे हैं। ये बांट कर राजनीति करने वाले लोगों के चेहरे अब बेनकाब हो गए हैं, जनता उनको पहचानने लगी है, जानने लगी है। तभी देश को 55 साल तक देश पर राज करने वाले लोग अब 55 सांसद जुटाने के लिए अनैतिक समझौते कर रहे हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी पड़ोसी राज्य हरियाणा में इस वक्त मौजूद हैं, 16 तारीख को वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आपकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको कमान सौंप दी है कि 13 की 13 सीटें जीत के दिलवाएं, कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल? जेल से बाहर आते साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को निशाने पे लिया। देखिए, आम आदमी पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा तीनों अब बेनकाब हो गया है। पहले उन्होंने जिस तरह से पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया, धक्का किया, झूठे सब्जबाग दिखा करके पंजाब की बहनों को, 26 महीने हो गए पंजाब की बहनें केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी से जरूर पूछेंगे कि हमारे 26,000 रुपये दें, उसके बाद में वोट मांगने के लिए आएँ। युवा उनसे मांगेंगे कि जो बेहतर भविष्य के वादे किए गए थे उसको पूरा करके फिर हमारे सामने आए। उनकी नीति और उनकी नीयत, ये दो तो स्पष्ट हो ही गई थी। कल स्वाति पालीवाल ने जिस तरह का इंटरव्यू किया उसके बाद में उनका चरित्र भी लोगों के सामने आ गया है। और देश की, प्रदेश की जनता ये जानती है कि वो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर है, 1 तारीख के बाद में वापस जाने वाले हैं जहाँ से आए हैं वहीं। इसलिए अब उनकी बात को कोई गंभीरता से लेगा या उनकी बात का कोई वजन रहेगा, मैं इसमें 1% भी कहीं जो है तत्व नहीं देखता। आखिर में सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद ये नारा दे चुके हैं अब की बात 400 पार, जोधपुर की सीट में क्या आप हैट्रिक लगाने वाले हैं और कितने से, और राजस्थान की कितनी सीटें आने वाली? देखिए, नारा प्रधानमंत्री का नहीं, ये देश की जनता का नारा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं श्री आनंदपुर साहिब में चुनाव प्रचार के लिए। एक तरीके से कमान इनको यहाँ पर सौंपी गई है और साथ ही इनका कहना है कि एनडीए इस बार 400 भी पार कर जाएगी और साथ ही साथ जोधपुर में ये हैट्रिक भी लगाएंगे। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए रोपड़ से ईशा ठाकुर।